हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलिए भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूनिट नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि आपको मैं ऑलरेडी जो है 10 वीडियोस टोटल, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तीनों की मिला के अब तक 10 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये 11th वीडियो है और इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, देखो भाई, आज की इस क्लास में हमको टॉपिक नंबर 4 पढ़ना है, नोटिस विद एजेंडा। अब सुनो, नोटिस क्या होता है? नोटिस तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप देखना, जो आपकी यूनिट नंबर 3 की पहली वीडियो थी, इट मींस वीडियो नंबर 9, आप उसमें देखना, मैंने आपको नोटिस पढ़ाया था। अब ये नोटिस विद एजेंडा क्या है? तो नोटिस विद एजेंडा का मतलब होता है कि भाई, आप जो मीटिंग रख रहे हो, देखो होता ही है कि हम रखते हैं मीटिंग, और मीटिंग के लिए जो भी हमारे मेंबर्स है, हम उनको नोटिस भेजते हैं कि भाई तू आइयो, तू आइयो, तू आइयो, मीटिंग में तेरे को आना कंपलसरी है, तेरे को भी आना कंपलसरी है। तो हम सबको नोटिस भेजते हैं। अब सिर्फ नोटिस भेज दूंगा मीटिंग में कि आपको मीटिंग में आना है, मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं पता, बस आपके पास एक इन्विटेशन आ गया दैट कि आपको मीटिंग में प्रेजेंट होना है, तो इट इज नोटिस। लेकिन नोटिस विद एजेंडा क्या होता है कि आपको मीटिंग में प्रेजेंट होना है और मीटिंग में क्या क्या होने वाला है ये आपको पहले बता दिया। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने रखी मीटिंग और मैंने बोल दिया कि इस वाली मीटिंग में जो है हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स के ऊपर, बात करें कंपनी की कैपिटल के ऊपर, ठीक है, बात करेंगे हम लोग सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर, बात करेंगे परचेस के ऊपर, ठीक। तो ऐसे ऐसे जो है हम लोग बात करेंगे। तो आपने क्या करा, नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस के साथ साथ आपने ये लिस्ट भी भेज दी कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसी को बोलते हैं नोटिस विद एजेंडा। अगर आप सिर्फ इनविटेशन दे रहे हो दैट यू हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड नोटिस। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नहीं जी, आपको आना तो पड़ेगा लेकिन ये आपके लिए लिस्ट है, ये सारी बातें होंगी, तो इट इज कॉल्ड नोटिस विद एजेंडा। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ भाई, तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको पढ़ते हैं, लिखा क्या है। तो देखो भाई, एन एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस और ऑफिशियल थिंग्स टू बी डन एट फॉर्मल मीटिंग। कि मीटिंग में क्या क्या ऑफिशियल थिंग्स होगी, ये क्या क्या आइटम्स, क्या क्या बातें डिस्कस की जाएगी, उसको बोलते हैं एजेंडा। दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। एडवांस पहले ही बना ली कि भाई साहब मीटिंग में जे जे करना है, तो जो जो करना है तो उसके लिए लिस्ट पहले ही बना ली। तो दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग शुरू होने से पहले बना लेते हैं। और इसे बनाता कौन है? बाय द सेक्रेटरी। बेटा यहाँ पे सेक्रेटरी का मतलब आप लोग जानते हो, आप लोग कॉमर्स के बैकग्राउंड के हो, यहाँ पे सेक्रेटरी का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी से, या CS से, ठीक है। मैं भी CS कर रहा हूँ, ठीक, मैं भी जो है कंपनी सेक्रेटरी का ही कोर्स कर रहा हूँ रियल में। तो यहाँ पे सेक्रेटरी का मतलब कंपनी सेक्रेटरी से होता है। तो बोल रहा है सेक्रेटरी की कंसल्टेशन से, चेयरपर्सन से, ठीक है, हम क्या करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिख देते हैं। जैसे कि क्या, अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये कि कंपनी का नाम तो आता है, कंपनी का एड्रेस आएगा, कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएगी। मैं बता रहा हूँ कि इस नोटिस में शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या आएगा। सबसे ऊपर क्या आएगा, कंपनी का नाम, एड्रेस, डिटेल। उसके बाद क्या आता है, जिस तारीख को नोटिस इशू किया गया, ये तो आपने पहले पढ़ रखा है, जब आपको नोटिस मैंने नॉर्मल नोटिस पढ़ाया था तो उसमें ये भी था, ठीक। और क्या क्या आएगा, हु इज टू मीट हुम, यस, इसमें है कि कौन व्यक्ति किससे आकर मिलेगा, यस, ये इसमें नया है कि कौन व्यक्ति, अच्छा कंपल्सरी नहीं है ये लिखना हो कि कौन किससे आकर मिलेगा, हाँ अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस लिखने वाला तो CS है, नोटिस लिखने वाला कंपनी सेक्रेटरी है, लेकिन लिखना पड़ेगा ना कि आप लोग जब मीटिंग में आओ तो आपको इनसे मिलना है, तो हु इज मीटिंग हुम, कौन किससे मिलेगा। नेचर ऑफ द मीटिंग, मीटिंग हो रही है, मीटिंग कैसी है, एक रूटीन में, रूटीन मीटिंग मींस नॉर्मली मीटिंग आपकी होती है, ठीक, जो साल में आपकी जो है होती है एक बार, उसको बोलते हैं AGM, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। एक होती है इमरजेंसी मीटिंग, कि भाई सब इमरजेंसी है, बहुत कंपलसरी मीटिंग है, आज ही बुला लो। एक होती है स्पेशल मीटिंग, ठीक, स्पेशल मीटिंग वो होती है जिस मीटिंग के अंदर वोटिंग आपकी 75% से, आपने पढ़ा होगा स्पेशल रेजोल्यूशन,
और ओ आर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर कि जब रेजोल्यूशन पास होता है 50% ज्यादा वोटिंग होगी, भाई मैंने कोई कोई टॉपिक रखा और उसमें वोटिंग 50% से ज्यादा मिली उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और अगर वोटिंग 75% से ज्यादा मिलती है उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो क्या पता मीटिंग रूटीन हो, इमरजेंसी हो, स्पेशल हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ये कौन सी होती है कि साल में जो मीटिंग हो रही है वो तो हो रही है लेकिन बीच में एक मीटिंग एक्स्ट्रा बुला लो, साल में एक मीटिंग रखने रखनी है ईजीएम बोलते हैं उसको, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अलावा मैंने एक मीटिंग और बुला ली एक्स्ट्रा मीटिंग बोलते हैं उसको, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से बोलते हैं ईजीएम। तो मीटिंग का नेचर कैसे बताना पड़ेगा। दूसरा, मीटिंग की डे डेट टाइम और जगह और सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी, इट मीन्स मेरे मेरे साइन हो गए, मैं सीएस कर रहा हूँ ना जब मैं बन जाऊंगा तो मेरे भी साइन होंगे। डिटेल्स ऑफ दोज हु विल अटेंड द मीटिंग, कौन कौन मीटिंग अटेंड करेगा, नेम्स विद डेजिग्नेशन, उसका नाम क्या है और तो उसकी पोस्ट क्या है। एनी एनक्लोजर बीइंग सेंड विद, अगर नोटिस के साथ आपको कोई अटैचमेंट भेजनी है, ये नोटिस है, साथ में कोई मान लो फॉर्म भेजना है, ये नोटिस, साथ में डॉक्यूमेंट भेजना है तो डॉक्यूमेंट भी भेजा जाएगा, वो भी लिखा जाएगा। तो ये होगा, जब नोटिस विद एजेंडा बनता है तो उसमें ये से ये सारी बातें जो है लिखनी पड़ती है। ओके जी, ठीक है जी, बड़े जी आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मेट है उसका, ये पूरा एग्जाम्पल है, फॉर्मेट है, देखो भी क्या लिखा है। देखो यहां से लेके यहाँ तो नाम वाम आ गया, नाम एड्रेस वेड्रेस, ये मेरा फोन नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, सब कुछ आ गया। उसके बाद नोटिस लिखा मैं, नोटिस हमारा ये, उसके बाद लिखी डेट। अच्छा देखो नोटिस लिखूंगा, नोटिस विद एजेंडा नहीं लिखना, सिर्फ नोटिस ही लिखा जाएगा। अब पूरी कहानी, ये बॉडी ऑफ द नोटिस है कि शुरुआत में क्या कहानियां पेलनी है, कि द 25th मीटिंग 25वीं मीटिंग है किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कौन सी कंपनी की, प्रथम सिंह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दो कंपनी का नाम है, तो इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग है 25वीं मीटिंग है, जो कहाँ पे होगी, कॉन्फ्रेंस रूम में होगी। कहाँ, कौन सा कॉन्फ्रेंस रूम, एक होटल है, कौन सा होटल, होटल का नाम है बिजनेस रिडिफाइंड सन सिटी गुड़गांव, गुड़गांव की सन सिटी में बिजनेस रिडिफाइंड नाम का होटल है, वहां के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चलेगी, जो कब चलेगी 31 मार्च 2020 को, कितने बजे होगी, 11 बजे होगी। द मीटिंग इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 डेज, की 2 दिन तक चलेगी मीटिंग। सो इसीलिए ऑल दोज रिक्वायरिंग असिस्टेंस, अगर किसी को भी हेल्प चाहिए जो मीटिंग में आने वाले हैं, किसी को भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित या एकोमोडेशन रहने से संबंधित कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प चाहिए, शुड कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। अंडरसाइन का मतलब है कि जिसके साइन लास्ट में हो रखे हैं, जो नोटिस बनेगा, सिंपल सी बात है, नोटिस के लास्ट में साइन किसके होते हैं, सेक्रेटरी के, इट मीन्स अंडरसाइन मतलब जिसके साइन नोटिस के लास्ट में हो रहे हैं, आप उससे कॉन्टेक्ट करो, वही आपका ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ और आपके रहने का जुगाड़ करेगा। सो इसलिए सुटेबल अरेंजमेंट कैन बी मेड, तो इसलिए ताकि आपकी अरेंजमेंट की जा सके आप उसको पहले इन्फॉर्म कर दो। द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, अब मीटिंग क्यों की जा रही है, इसमें क्या क्या होगा, अब वो पढ़ने वाले, इट मीन्स क्या, अब एजेंडा सामने आएगा कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग में क्या क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। अब देखो तो मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो मीटिंग का एजेंडा है, अब देखो अब हेडिंग आई किसकी, एजेंडा की, एजेंडा क्या है, पहला रेटिफिकेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन 31st दिसंबर 2019, कि जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी, अगर आपको याद हो जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स में कुछ, मिनट्स, मिनट्स क्या होता है, मिनट्स बोल लो माइनट्स बोल लो, बात देखिए उसमें मिनट्स आपका आगे आएगा क्या होता है, बस समझ लो कि उसके मिनट्स में कोई रेटिफिकेशन है, कोई ठीक ठाक कुछ गलती हो गई थी, वो ठीक ठाक करेगा, पहली बात तो ये, जो मीटिंग हुई थी 31 दिसंबर को उसके मिनट्स में कोई गलती थी उन्हें ठीक करना है। दूसरा, टू डेलिबरेट द अडॉप्शन ऑफ द विसल ब्लोअर पॉलिसी, बेटा आपने सुना होगा कंपनी में एक होता है विसल ब्लोअर, ये विसल ब्लोअर कौन होता है जानते हो क्या, कौन होता है, नहीं जानते, ये विसल ब्लोअर वो होता है, विसल ब्लोअर वो होता है जो कि कंपनी के मालिक को, कंपनी के, देखो मैं मान लो मैं कंपनी का मालिक हूँ, अब मेरी कंपनी में पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे जो स्टाफ है उनके भी फिर गड़बड़ चल रही है, वो मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, तो एक मेरा हो, आपने सुना हो गुप्तचर, आपने टीवी देखते हो गए रामायण महाभारत या फिर राजा महाराजा के टाइम पे, आपने एक वर्ड सुना हो गुप्तचर, कि ये जो है मेरे को सारी बातें बताएगा, एक ऐसी होती है विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर पॉलिसी,
ठीक है, कि कोई गुप्तचर मेरा भी होगा जो मेरे को आके सारी बातें बताएगा कि देखो आपके लिए जो ये हो रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे अलर्ट किया जाएगा। दूसरा, टू फॉर्म ए विसल ब्लोअर प्रोडक्शन कमिटी। अब आप जानते हो जब मेरा गुप्तचर मुझे कुछ बात बताएगा तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं उसको प्रोडक्शन दूं, मैं उसको जो है संरक्षण प्रदान करूं। तो उसके लिए एक कमेटी बनाया गया कि विसल ब्लोअर को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर। अगला, कोई और भी अगर मैटर हो कि जो यहाँ पर नहीं लिखा गया, कोई और भी अगर मैटर हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि जो लिखा वो डिस्कस करूंगा, कोई और भी मैटर हो तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। वोट ऑफ थैंक्स कि आप लोगों ने वोटिंग दी उसके लिए थैंक्स भी करेंगे। और डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग कब होगी। तो ये सारे एजेंडा में आ गया कि क्या क्या होने वाला है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, इट मीन्स मेरा साइन आ जाएगा, ठीक है, जो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं हूं ना, मेरा साइन। अब यहाँ पे साइन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे साइन कर सकूं, तो मेरा साइन आ जाएगा, ठीक। और कॉपी टू, किस किस को, नहीं वो नहीं हो रहे और कॉपी टू किस किस को भेजना है, तो सभी बोर्ड और डायरेक्टर को भेजना है, एमडी को भेजना है और सभी डिपार्टमेंट के सभी हेड को ये नोटिस भेजना है। तो ये तो हो गया एक नोटिस विद एजेंडा, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके जी, हाँ जी, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो, समय वेस्ट नहीं करते। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ने वाला टॉपिक नंबर 5, मिनट्स क्या होता है। मिनट्स बोल लो, माइनट्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले समझ लो होता क्या है। भाई मान लो मेरी मीटिंग हुई कंपनी के साथ, यस कंपनी के साथ रखी मैंने मीटिंग। आप जानते हो कंपनीज की मीटिंग होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अब उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, उस मीटिंग में शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक बार बताओ, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लिखते हैं डायरिया कि आज ना मेरे साथ ये हुआ, आज ना मैंने ये एक्सपीरियंस। गर्ल्स बहुत लिखती है, बॉयज तो नहीं, खैर बॉयज तो बॉयज को लिखना पसंद ही नहीं होता। गर्ल्स बहुत लिखती है अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करती है कि आज ना मेरे साथ ना ये हुआ, आज ना मैंने ये एक्सपीरियंस फेस करा, वही तो पता है आज क्या हुआ। तो वैसे जो है गर्ल्स अपनी डायरीज मेंटेन करती है, बॉयज मेंटेन नहीं करते, उन पर टाइम ही नहीं है, कहीं बिजी रहते हैं बॉयज। तो ऐसे ही जो कंपनी में काम होता है, कंपनी की भी हर एक बात लिखी जाती है, कंपनी में ना ये हुआ, वो पता है कंपनी में ये हुआ, कंपनी में ये रेजोल्यूशन पास हुआ, कंपनी में इसने उसको मारा, कंपनी में इस वाले बॉस ने उस वाले बॉस को गाली दी। यस, ये जो भी मीटिंग में होता है वो सारी मीटिंग की हर एक मिनट की बात, हर एक मिनट की बात एक पेज पे या एक डायरी में या एक डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड होती है, उसको लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं मिनट्स। तो मीटिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ उसी को लिखना मिनट्स कहलाता है। समझ में आया नहीं आया, अरे हाँ गया वो। तो राइटिंग मिनट्स इसे तो ये कला है, एक आर्ट है कि आपको जो कुछ भी हो उसको माइंड में रखना है, उसको लिखना है, एक तरह की आर्ट होती है। विच रिक्वायर्ड, इसमें क्या रिक्वायर्ड है, लाइक टेकिंग नोट्स कि कैसे आप जो उस, अब देखो हर एक बात को लिखना तो पॉसिबल नहीं है कि उसने जो मुझसे बोला वो पॉसिबल नहीं है। टेकिंग नोट्स कि आप किस तो जो कुछ भी लिखा अल्टीमेटली आप उसके नोट्स कैसे बनाओगे, आप उसको समराइज वे में कैसे लिखोगे, आप उसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे कि कुछ छूटे भी ना और ऐसा भी ना लगे कि बोर हो रहे हैं, ठीक है। कि एक स्किल है जिसमें आपको नोट्स लिखते हो, समराइजिंग कि चीजों को समराइज कैसे करना है, एंड यूजिंग रिपोर्ट। आप जानते हो आपने बचपन में पढ़ा होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम खुद बोलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, लेकिन जब हमारी कही हुई बात है कोई और बोलता है तो इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरी है वो थर्ड पर्सन है, जो बॉस ने बोला वो सिर्फ सुन के अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के रूप में लिखेगा। आप जानते हो बचपन में आपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा डायरेक्ट स्पीच, जो हम बोले और हमारी बात को कोई तीसरा रिकॉर्ड करेगा तो हमारे शब्दों में रिकॉर्ड करेगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिकॉर्ड करेगा। मिनट शुड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा। यस, एजेंडा के सीक्वेंस फॉलो हो गए। फिर एजेंडा में जो लिखा था पहले, तो पहले वो सारी बातें मिनट्स में लिखूंगा, एजेंडा का टॉपिक नंबर 2, फिर वो सारी बातें मिनट्स में आएगी। इट शुड बी लॉजिकली रिटर्न इन थर्ड पर्सन। यस, थर्ड पर्सन लिखेगा, इट मीन जो है मैं लिखूंगा कि राम ने शाम को ऐसे से बोला, ये नहीं, समझ में आ रहा ना, कि राम ने शाम को जय जो बोला मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, अपने शब्दों में लिखूंगा। पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, हो चुका है मीटिंग में सब कुछ हो चुका है तो पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। एंड द पैराग्राफ और ब्लॉक फॉर्मेट, और पैराग्राफ में लिखूंगा
या ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब हो गया मैं इसको पॉइंट में लिखूंगा. इट शुड इनकॉर्पोरेट ऑल आइडियाज सजेशन डिस्कशन दैट टुक प्लेस इन द मीटिंग. मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, जो भी आइडिया सामने आए, सजेशंस हुए, जो डिस्कशन हुआ, वो सब इसके अंदर लिखा होना चाहिए. इसलिए इसको क्या बोला गया, इसलिए इसको बोला गया मिनट. समझ में आ गया भाई, समझ में आ जाना चाहिए. बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसानी से आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं मैं. ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई. अब देखो फॉर्मेट है इसका, बेटा फॉर्मेट पढ़ लेते हैं. वही आपकी पहले राम का था, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, न्यू दिल्ली, इंडिया. अब मीटिंग मिनट्स, ठीक है कि अच्छा मिनट्स केवल मीटिंग, मिनट्स केवल मीटिंग का होता है, ये बता रखना. मीटिंग में जो कुछ हुआ उसके लिए लिखते हैं मिनट्स. तो मिनट्स केवल मीटिंग के लिए, तो किसी और चीज के लिए मिनट्स नहीं होता, लिखा मीटिंग मिनट्स. अब क्या लिखा है, पहले की मीटिंग कब हुई, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, फलाना ढंग ये थोड़ी कि शुरू में कि राम ने शाम को ये वाली गली बकी. भाई माना कि सब कुछ लिखते हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन इट डजंट मीन कि आप शुरुआत उससे करोगे. हाँ, गाली फाली नहीं लिखनी, आप ये बोलोगे कि राम ने शाम को जो है बेइज्जती करी. ठीक है, ये थोड़ा कि लिख दोगे गाली, गाली लिखी, गाली भी लिख दी कि राम ने शाम को बोला, गाली नहीं लिखनी. ठीक है ना. तो पहले कहानी, मीटिंग हुई कैसे, क्या है. रेगुलर मीटिंग ऑफ द प्रथम सिंह प्राइवेट लिमिटेड, यस मेरा नाम है, ठीक है, मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है. मीटिंग है जिस कंपनी की मीटिंग है वो 22 फरवरी 2017 को हुई. कब हुई, 9 बजे, तो हो चुकी है, तो हेल्ड आएगा, हेल्ड ऑन. कब हुई, 22 फरवरी 2017 को 9 बजे हुई, इन द कॉन्फ्रेंस रूम. अब देखो मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट हुआ, तो मेंबर्स प्रेजेंट, एम के अधिकारी जी आए, के आर खुराना आए, आर एस धवन आए, एम माधवन आए. तो पहले ये भी आता है कि मीटिंग कब हुई, कहाँ पे हुई, कितने बजे हुई, ओके, डेट वेट सब कुछ. फिर क्या आएगा, मेंबर्स प्रेजेंट, कि मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट हुआ. ठीक है, उसके बाद मेंबर्स एब्सेंट, कि मीटिंग में एब्सेंट कौन रहा, के राय मीटिंग में नहीं है, रामानुजन मीटिंग में नहीं है. और अब मैटर डिस्कस, कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ. तो पहला, इट वॉज डिसाइडेड टू इंक्रीज द रेशियो ऑफ पब्लिशिंग बुक्स फ्रॉम 20,000 to 30,000 विद इफेक्ट ऑफ 1 July 2017. काम करो इसको ना, इसको 17 कर लो, थोड़ी डेट का इश्यू हो गया, 2017. तो मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो हम बुक, भाई हमारी मेरी कंपनी बुक छापती है, कि बुक है इस बार 20,000 से बढ़ाकर 30,000 छापेगे. कब से, 1 जुलाई से. और जो भी डिस्कस हुआ वो देखो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो लिखा है ना मैंने, ये एग्जांपल है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किसके ऊपर आया. अगला, इट वॉज रिसॉल्व दैट, हमने ये भी रिसॉल्व किया कि 125 न्यू प्रपोजल, नए नए लोग आए थे जो बहुत सारी अपनी किताब लग रहा कि मेरी किताब छापो, मेरी किताब छापो. तो 125 प्रपोजल आए अलग अलग बुक्स के, जिसमें से कि हम क्या करेंगे, 75 वुड बी पब्लिश कमिंग 6 मंथ. हम जो है अगले आने वाले 6 महीने में 75 प्रपोजल इशू करेंगे, और जो बच गए 5 उसको अगले साल छापेंगे. आगे बोल रहे हैं, जो न्यू प्रपोजल आए तो डिसाइड किया गया कि कंपनी केवल उन्हीं किताब को छापेगी जो कंपनी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा. कंपनी की कुछ गाइडलाइंस होगी कि किताब में ये नहीं होना चाहिए, किताब में ये नहीं होना चाहिए, किताब में ऐसे कंटेंट ना हो, किताब में वैसे कंटेंट ना हो, जो कंपनी की गाइडलाइन फॉलो करेगा सिर्फ उसी किताब छापी जाएगी. मतलब वही कहानी लिख दी आपने पूरे. उसके बाद द मीटिंग कंक्लूड विद कोट ऑफ थैंक्स, सबने थैंक्स दिया कि आपका वोट देने का धन्यवाद, वोट देने का धन्यवाद. किसको दिया, आर एस धवन को, उन्होंने वो कौन थे, एमडी से, मैं डायरेक्टर से, और फिर मेरा नाम लास्ट में, क्योंकि मिनट्स लिखे हैं मैंने अपनी इन कोमल हाथों से, मैंने मिनट्स को लिखा, तो फिर मेरा नाम, मेरा साइन माइन, वो तो बहुत भी बहुत कंपलसरी है यार. तो सी एस बना नहीं हूँ, बन जाऊंगा. तो सी एस प्रथम सिंह, अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव. ठीक है भाई, तो ये देखो हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा फिनिश कर लिया है. चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पूरा खत्म हो चुका है. जब हम लोग अगली वीडियो में आपसे मिलेगा ना, वीडियो नंबर 12 में, तो मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 14 लेके आऊंगा. तो भैया जुड़े रहे हमसे, कनेक्टेड रहे, ताकि आपको जो पूरा कोर्स मिल सके. ठीक है जी, तो बस लास्ट में थैंक यू सो मच. अगर कोई कॉन्टेक्ट करना, कोई इंक्वायरी करनी है, तो व्हाट्सएप के लिए नंबर जे वाला है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके तो आईडी जे वाली है. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.